हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और अपने सभी गणों के साथ निवास करते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर महात्मा बुद्ध का निवास है, यानी कैलाश पर्वत से कई धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी जीवित व्यक्ति अपने कदम रखने में सफल नहीं हो सका है। आखिर क्या वजह है कि कैलाश से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन माउंट कैलाश का शिखर आज भी अछूता रह गया है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम छोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे यह कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास होता है, इसीलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर नहीं चढ़ पाता है। सिर्फ वह व्यक्ति जिसने कभी पाप न किया हो वही मरने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल होता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपरनेचुरल ताकतें हैं, जिसकी वजह से ही कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक है, जबकि माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री है। इस वजह से यह एकदम सीधी तनी हुई दिखाई देती है। 1999 में रूसी वैज्ञानिकों का एक समूह लगभग एक महीने तक कैलाश के नीचे रही और उन्होंने इसके आकार के बारे में शोध किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश तीन कोना नहीं बल्कि चौकोर एक पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख चार दिशाओं में फैले हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि इस पिरामिड का निर्माण किसी सुपरनेचुरल शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई थी। हमारा सिर भारी होने लगा था। जैसे जैसे माउंट कैलाश से वह नीचे उतरने लगे और कैलाश से उनकी दूरी बढ़ने लगी, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होने लगा। कुछ पर्वतारोहियों ने माउंट कैलाश पर दिशा भ्रम होने की बात कही। इसकी वजह भी अतिस्क्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना है, जिस वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। संभावना है कि माउंट कैलाश काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से ही यहाँ नाखून व बाल तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति का शरीर भी तेजी से बूढ़ा होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।